प्रियंका जी, ये वो झुंझुनू जिला जिससे सेना में हमारे नौजवान इस देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राण न्योछावर करके देश की आन बान और शान ऊंची करते हैं, ये नौजवानों का जिला, शहीदों का जिला, वीरों का जिला, शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा जो स्वर्गीय शीशराम जी ओला साहब ने पौधा लगाया था, आज वट वृक्ष बनकर के पूरे देश में अगर बालिका शिक्षा सबसे अव्वल है तो वो झुंझुनू जिला है, जहां पर आज सभा करने के लिए हम सबके बीच में आप पधारी हैं। मैं समझता हूं कि शीशराम जी ओला साहब ने इस जिले को ही नहीं, प्रदेश को ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किसान नेता के रूप में 3600 कौमों को साथ लेकर के इस देश में काम करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, हम सब उसमें शामिल हुए, यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। ओला साहब का विजन, ब्रजेंद्र जी का विजन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति, हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मूर्ति और इस प्रकार से बालिका शिक्षा के लिए ये इस प्रकार का ये संस्थान, मैं समझता हूं ऐसी सोच के व्यक्ति ने इस राजस्थान में झुंझुनू जिले को सबसे अव्वल बनाने का काम किया था, आज उनको हम सब लोग याद कर रहे हैं। भाई लोगों, चुनाव आयोग टिकटा बट रही है, कांग्रेस भी बांट रही है, बीजेपी भी बांट रही है। मैं तो थाने एक ही निवेदन करवा के लिए हाजिर हुए हूं कि आज शेखावाटी ने मुख्यमंत्री जी संभाग बना दियो, संभाग बना दियो, अरे संभाग को फल आपने जनता ने जब मिलेगो तो आपनो धर्म बने। कहता काम हुआ, 10 तरीके की गारंटी हुई, ओला साहब ने कोई कोर कसर काम में नहीं छोड़ी, और यहां से जो काम आपने सरकार को बताया सरकार ने किया, जो आपने संगठन से अपेक्षा की वो संगठन ने किया, और शानदार जब शानदार काम हमारी सरकार ने किया है तो आने वाले समय में हमारी कांग्रेस की सरकार इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ में रिपीट होनी चाहिए, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। पिछले चुनाव में भी झुंझुनू जिला ने आदरणीय प्रियंका जी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, भारतीय जनता पार्टी को केवल एक सीट गई थी। मैं इनके बलबूते पे, इनके भरोसे पे ये आपको निवेदन कर सकता हूं कि अब की बार झुंझुनू जिले से एक भी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं आएगी, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहले 2 सीट आ गई थी, लेकिन उपचुनाव में 33,000 से कांग्रेस की टिकट जीत करके मंडावा से हमारी बहन रीता चौधरी गई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो अग्निपथ ला करके झुंझुनू जिले और राजस्थान के हमारे किसान के नौजवानों के साथ में जो धोखा इस मोदी सरकार ने किया है, मेरे नौजवान साथियों, किसान भाइयों, ये समय आ गया है बदला लेने का। 25 तारीख को हाथ के मशीन के ऊपर दबा करके बता दीजिए कि आपने हमारा कितना नुकसान किया है। ये समय आ गया है, 15 महीने जो किसानों को खून के आंसू रुलाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने किया था, उसका बदला लेने का समय आ गया है। 25 नवंबर को हम बता देंगे कि आप किसानों की विरोधी सरकार है, किसानों के साथ में आपने भेदभाव किया है, 700 किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उन जो किसान 15 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे, अगर उन किसानों की शहीद हो गए तो उनका बदला लेने का समय अब वोट के माध्यम से हमारे सामने 25 तारीख को आ रहा है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम माननीय आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं ठाकुर पड़ोस को हूं, ठाकुर हूं, कोई को भाई, कोई को बेटो, कोई को रिश्तेदार, मैं एक ही निवेदन कर वो चाहूं, शीशराम जी ओला साहब ने जिंदगी में 50-55 साल तक इस झुंझुनू को और राजस्थान को देने में कसर नहीं छोड़ी, आज बिजेंद्र जी ओला ने नहीं छोड़ी, राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देने में कमी नहीं छोड़ी, और राहुल जी जो हमारे नेता है 4,000 किलोमीटर यात्रा करके मोदी की नाक में नकेल डालने का काम किया है। अब हम सबको उठ खड़े होना है, घर घर जाना है, गांव गांव
जाना है, हरियाणा से जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको जीता करके राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी और दिल्ली में मोदी जी का तख्त पलट होगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये शुरुआत इस 2023 के चुनाव से हमको विधानसभा से करनी है। एक बात गांठ मान लो, कांग्रेस है तो किसान है, कांग्रेस और किसान को चोली दामन को साथ में है, ये किसाना को इस जिले झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी की एक सीट नहीं आनी चाहिए। वो संकल्प हाथ खड़ा कर प्रियंका जी ने बता दो सारा का सारा कि हम यहां से 7 की 7 सीटें कांग्रेस की झोली में आपके माध्यम से डाल करके खड़गे साहब और राहुल गांधी जी की झोली में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।